उम्मत में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है अमूमी तौर पर माशरे में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का मसला बहुत बढ़ता जा रहा है किसी का हाई हो जाता है किसी का लो हो जाता है किसी के साथ दोनों रहते हैं तो इसका भी कोई वजीफा बता दें हजरत ये इस मर्ज से भी निजात मिल जाए हाफि मिलता है ऐसा चोर मर्ज है कि नौजवान या बड़ी उम्र का बिल्कुल सोया बिस्तर पर पता चला जी ब्लड प्रेशर शूट किया उसको अटैक ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और ये चोर मर्ज है और ये मौत का सबब बन जाता है और जिनको ये मर्ज है वो इसकी परवाही नहीं करते ब्लड प्रेशर को मर समझ ही नहीं रहे तो इसके लिए सबसे बड़ा तो आप सब एक दवा भी है दवा ये है कि बेकरी आइटम छोड़ दें कार्बोहाइड्रेट रोजाना बिरयानी बिरयानी पिलाओ ये मोटी रोटी है यानी hmm. cool घी वाली चीजें तली हुई hmm. चीजें छोड़ देना hmm. लालमी आपने रोजाना आलू बोतल के वो खाने hmm. जरूरी तो नहीं है यानी तली हुई चीजें छोड़ दें सही बेकरी आइटम छोड़ दें आप थोड़ा सा अपनी दादी और नानी वाली खुराक पर भी आ जाए चटनी हरी सब्जिया है वा, 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 वाली वाल सब्जी है हमारे सब्जी बनती है नौजवान का मुंह बन जाता है नौजवान लड़की लड़की खाना नहीं खाते माँ बाप से लड़ते बोलो तो अपने सब्जी खानी नहीं सब्जी में इतना मसला नहीं होता जितना उनके मुंह में मसला होता है बन जाता है <laughs> और वटामिन ये वटामिन है सब्जियाँ फ्रेश चीज़ें खाएं जूसेस पिए लादमी आपने फैंसी जूस खाने कोल्ड ड्रिंक आपने लाजमी पीनी है तो ये भी एक दवा बड़ी जरूरी ब्लड प्रेशर के लिए अब आ जाए इसके लिए सूर्य यासिन शरीफ पढ़नी है हर मुबीन पर हर मुबीन पर सूर्य फातिया को सात मरतबा पढ़ना है अच्छा सूर्य यासी पढ़ लें खुद पढ़े या घर का कोई फर्क पड़े इसमें भी जरूरी है कुरान का तल्फ जरूर सुना जरूर है। सही तो सूर यासी शरीर पढ़े हर मुबीन पर सूर्य फातिया सात मरतबा पढ़े ठीक है इसी नीयत से पूरे हफ्ता नहीं पढ़ना हफ्ते में एक मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रख लें सही है ये पानी दमके और चेहरे पर मलें गर्दन पे सर पर मसा करें और दमका और पानी पी लें जदीद साइंस कह रही है कि जो मसा करते हैं वजू करते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो माह रमजान में इसी की मशकल है यार कि हमें बावजू ही रहना है हर वक्त बावजू है तो जब बावजू भी रहेंगे ये दवा भी है इलाज भी है और दुआ भी है तो अगर बावजू रहें खुदा की कसम और रात को बावजूद सोएंगे फरिश्ते आपके लिए सफार कर रहे हैं और पूरी रात इबादत का तो अमल बताया ये है। सुभान जिसको भी पेशर वाले को बताया मुबीन कितनी है इसमें, इसमें सात मुबीन सात मुबीन सात मुबीन पर सूर फातह नाजर के आसानी के लिए बता दूं ऐसी आयात है जिसके आखिर में मुबीन लफ्ज आता है बिल्कुल आखिर में ही आता है तो उस पर लफ्ज मुबीन जहाँ आए वहां सात मरतबा सूर फातह आपने पढ़नी है फिर उसको कंटिन्यू करना है फिर जहाँ दोबारा मुबीन आया, वहां सात मरतबा सुरे फातिया पढ़ना है कंटिन्यू करना है एक ही मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके आप रख लें और पूरा हफ्ता इस पानी को भी इनशाला आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज से निजात मिल जाएगी हर हाँ, हफ्ते इसको अमल को और हर हफ्ते है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल माशा ये बहुत अच्छा खूबसूरत अमल आपने और वैसे भी कुरान पाक का दिल है शरीफ है सुलहान अल्लाह सुर यासिन शरीफ पढ़ लो तो दस कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी मिलता है तो इतनी फजीलत है वो उसके साथ अलग से और भी जुड़ी हुई है तो क्यों ना हम पढ़ने वाले बन जाएं और तल्फ उसके साथ पढ़ना है इसके लिए शाह साहब ने आपको ताकत कर दी है और अगर सही तल्फ उसके साथ पढ़ना नहीं आता तो सही तल्फ़ उसके साथ पढ़ना सीख लीजिए इस तरह के और भी रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए अभी हमारा यूट्यूब चैनल आई डी एस रूहानी इलाज विजिट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए